या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापहा वृंदावन में चारों तरफ उदासी छाई थी। संसार से कृष्ण विदा हो रहे थे। कुछ दरख्त पैरों से लिपट गए। आपने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज हम बांस के दरख्त, आपने हमारी मुरली बना के हमें होठों से लगाया। आपके जाने के बाद लोग हमें ईंधन जानकर जलाएंगे। कृष्ण जी ने फरमाया कि हम तुमको वरदान देते हैं, जब तक इस संसार में आवन जावन लगा है, कृष्ण के मानने वाले मौजूद हैं, तुम्हें होंठों से लगाया जाएगा, तुम हमेशा लबे माशूक रहोगे। तो वो हरि की मुरली आज हरि प्रसाद चौरसिया के होंठों से लगी। तुझे मुरली की जा अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरी मुरली को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते। सुनी सबने मोहब्बत की जबा आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदोस्ता आवाज में तेरी। बांसुरी और हरि प्रसाद चौरसिया जी, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये अलग अलग अधूरे जान पड़ते हैं। चौरसिया जी ने अपनी लगन, अपनी साधना से राधा मोहन के अमर प्रेम को सदा के लिए अपना लिया। इनके स्वर आकाश को धरती से मिलाते हैं और आज के इस शोर और शर के माहौल में, इस अशांत वातावरण में वृंदावन का प्रेम संदेश सुनाते हैं। Thank you.
દયા બેન કેમ છે? અને મંગલા બેન? હા હા હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. અચ્છા આવજો આવજો. અંગુ, અરે આવ્યો આવ્યો. એ ટિંકુરો ચિઠ્ઠી આવશે, આવો. એ ફોટોટા ફટાઈ છે. કોણ લખી જાય ને? ટુ ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ પેરેન્ટ્સ ઇન ધીસ વર્લ્ડ વિથ ઓલ માય લવ ટુ બોથ ઓફ યુ. બોલ્યો બોલ્યો. કોણ ચાહો તમે? તો લખ્યું કે નહીં? નહીં, શું ચિઠ્ઠી રે? કોણ લખી છે? લખી છે જે સે તા દેહટા ભલો આ તાર પઢાપડી ઠીક ચાલી છે. કાર્યક્રમ હોતા તિકડું મેં આલા ત્યાં ઠીક છે. હરી જી, આપને ઇતને વાદ્યો મેં સે બંસી કોઈ ક્યો ચુના? સુરેન્દ્રજી, એક બડી લંબી કહાની હૈ. મેં જબ છોટા થા તો ભગવાન કૃષ્ણ કો દેખતા થા કે ઉનકે અદરો સે બાંસુરી લગી હુઈ હૈ. તો મેને કહા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એસા વાદ્ય ચુના હૈ કે ઇસકા ઇસકી ધ્વનિ જો હૈ, ઇસકી આવાજ હૈ, હમ હમારે કાનો તક નહીં પહોંચતી, લેકિન વાદ્ય બહોત સુંદર હૈ, દેખને મેં બડા અચ્છા લગતા હૈ, બડા સાધારણ હૈ. और देख के ऐसा भी लगता है कि ये कितना पुराना वाद्य है. इसमें ना तो कोई तार लगे हुए हैं, ना ही कोई चमड़ा लगा हुआ है, जबकि दूसरे वाद्यों में लगे होते हैं. इसको ट्यून करने की ज़रूरत नहीं. तो मैंने कहा इतना साधारण वाद्य तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने इस वाद्य को चुना. संगीत के लिए संगीत शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन केवल शिक्षा ही किसी को कलाकार नहीं बनाती. शिक्षा इतनी ज़रूरी है, वो किसी भी कला के क्षेत्र की हो, शिक्षा का इतना उसमें आवश्यकता रहती है. जैसे कि लीजिए, मेरी गुरु माँ अन्नपूर्णा शंकर जी, वो बजाती हैं स्वरभार. मैं उनसे शिक्षा लेने जाता हूँ किस चीज़ की? बांसुरी की नहीं, संगीत की. संगीत की शिक्षा लेने जाता हूँ, और वो जो मुझे शिक्षा देती हैं, वो जो मुझे मार्गदर्शन देती हैं, उसका मतलब यही हुआ कि हमको इस स्वरों को लेके, इन स्वरों को लेके हमको कैसे उसको बढ़त करनी है, कैसे उसका आनंद प्राप्त करना है. हम जब वो आनंद प्राप्त करेंगे तो दूसरे लोग उसका आनंद उठाएंगे. राग रागनियों में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस राग से वो राग मिल ना जाए, और इस ताल से उस ताल का फर्क हो. तो इससे ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे किसी क्षेत्र में, किसी कला के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो. इसी में हम हर एक स्वरों की बढ़त करते हैं, जिसको जिसमें हम रिदम नहीं रखते उसको हम कहते हैं आला. उसके बाद जब हम थोड़ा सा रिदम बिना तबले के हम अपने दिमाग में रखते हैं और उसको रिदम में बजाते हैं, उसको हम कहते हैं जोड़. और जब उसको थोड़ा हम फास्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं झाला. और जब तबला जहाँ से हम ऐड करते हैं, वहाँ से हम कोई कंपोजिशन, कोई रचना बजाते हैं, अलग अलग ताल में होती हैं. Thank you.
রাগ আর মারো দেহাক বেশি তফাত নেই, কিন্তু ওই যে চলনটা ওইটাই একটু তফাত। যেরকম বেহাগটা হচ্ছে আরো আরো ওইটা মারো বিহাগতে হবে, কিন্তু আওরোতে আর বিহাগে যেরকম আছে একটা স্থায়ী এটাতে। पंडित हरि प्रसाद जी का जन्म गंगा जमुना और सरस्वती के पावन संगम की नगरी इलाहाबाद में हुआ। बचपन से ही वे इन गलियों में अपने भविष्य की तलाश करते रहे। इनका परिवार आत्मा की भक्ति के साथ साथ शरीर की शक्ति पर भी विश्वास रखता था। उनके पिता पहलवान थे, हरि प्रसाद जी को भी अपने जैसा बनाना चाहते थे, परंतु ईश्वर जी से जिस कार्य के लिए बनाता है वो उसका भाग्य बन जाता है। एक दिन उन्होंने अपना भविष्य चुरा ही लिया और इस तरह एक बंसी चोर ने माखन चोर की शरण में अपनी संगीत यात्रा का शुभारंभ किया। मेरे पिताजी मुझे पहलवान तो नहीं बना पाए, लेकिन उनका बल और साहस जो मेरे शरीर में है उसने मुझे मेरे जीवन संघर्ष में कभी थकावट महसूस करने नहीं दिया। मैंने परिस्थितियों के आगे कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, उनसे लगातार संघर्ष करते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाया। हमारी मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो कटक में हुई, जहाँ की हम दोनों आर्टिस्ट थे और उस वक्त भी उनकी संगीत के प्रति जो सिंसियरिटी डेडिकेशन वो देख के मैं हैरान हो जाती थी। एक बंद कमरे में बैठकर लगातार घंटों पसीना में तर वो साधना करते रहते थे। वो अपने संगीत में इतना इन्वॉल्व हो जाते थे
कि उनका ध्यान और कहीं नहीं जाता था। मेरी गुरुमात अन्नपूर्णा शंकर जी स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की सुपुत्री और उस्ताद अली अकबर खां की बहन हैं। आप मेरे बंबई के संघर्ष के दिनों की तलाश हैं। अच्छा हरी जी, ये बताइए कि बांसुरी और आपके बीच में जो संसार है उसमें क्या क्या है? कई चीज़ें हैं, जैसे कहिए समाज है, मेरे दोस्त हैं, ये नेचर है जैसे पेड़ पौधे पक्षियाँ, संगीत है, एक चीज़ मैं भूल गया, सबसे मेरा प्यारा पान है। और दसो सुरेंद्र जी, तुसी की पूछना चाहते हो? हरी जी, आप तो बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, और वैसे भी मैं सवेरे से देख रही हूँ कि आप अलग अलग भारतीय भाषाओं में लोगों से बात कर रहे हैं। भारतीय छोड़ के मैं विदेशों की भाषा में बहुत रुचि रखता हूँ। जैसे विदेशों में सबसे प्यारी भाषा मुझे लगती है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा का जवाब नहीं, क्या मिठास है उसमें। मैं कभी जाता हूँ फ्रांस में कॉन्सर्ट बजाने, तो मैं म्यूजिक लवर से कहता हूँ, शुरू में वहाँ अनाउंस करता हूँ, मैदाम दे मिस्यू जो सी तखेजुबो डेथ था वे वी सुसवा, सब ऐसे विभोर हो जाते हैं उनके लैंग्वेज को सुन के। शास्त्रीय संगीत के अलावा फिल्म जगत में भी कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर शिवहरि कहलाते हैं। प्रसाद जी की बंसी हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी की प्रतीक्षा करती है। इस शुभ अवसर पर लगातार 24 घंटे
राधा कृष्ण के चरणों में सुरों के फूल बिखेरती है। दूरी का नाम घर बार है, संसार है, परंतु जब हम और बंसी दोनों साथ होते हैं उस समय हमारे बीच और कोई नहीं होता। सुर से सुर का मिलन ही भक्ति है, यही शक्ति है और यही साधना है।